आपका फिर से स्वागत करता हूँ। संडे का मुझ कमेंट बॉक्स के लिए मैंने जो वीडियो बोला था पहले ही बनाऊंगा, तो आज मैंने जो कमेंट लिया है, ठीक है, तीन कमेंट लिया है, एक कपिल जी का लिया है, एक गुरुदेव जी का लिया है, एक अंसारी भाई का लिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। इनको चाहिए दो बोर्डा कनेक्शन, इनको चाहिए छह स्विच, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर, एक सॉकेट का वीडियो बना दो सर। तो इनको एक क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन था कि सर हाउ टू मेक अ 6 बल्ब एंड 2 सॉकेट, मैंने उनको 6 बल्ब कनेक्शन और 2 सॉकेट का कनेक्शन चाहिए के बारे में जानना था। तो सॉकेट अगर 2 है और 6 बल्ब है तो आपका ऑलरेडी 6 बल्ब का 6 स्विच हो जाता है और सॉकेट का 2 स्विच, तो टोटल 8 स्विच ऑलरेडी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले 3 नंबर वाले कमेंट को लेते हैं, फिर इसी से इंक्लूड होकर 2 और 1, तीनों को 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएगा और इसका प्रश्न अलग से वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अंसारी भाई कैसे क्वेश्चन था कि 6 बल्ब और 2 सॉकेट का कनेक्शन, तो अब यहाँ देख लीजिए ये जो मैंने दिया है, ठीक है, ये सॉकेट का सिंबल है, सॉकेट बना दिया, ठीक है, ये सॉकेट टिक दिया, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऊपर का जो 6 स्विच बल्ब के लिए 6 स्विच बोले और 2 स्विच जो मैंने यहाँ बीच में दिया वो सॉकेट के लिए दिया है, ठीक है। ये स्विच इधर अप डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन पर उसे ही होगा, ठीक है, वो कहीं भी रहे कनेक्शन उसी टाइप से होगा। और ये बल्ब का मैं बना दिया हूँ, ये बल्ब नहीं है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि हाँ ये बल्ब, अब इसे बल्ब समझ लीजिए, ये 6 बल्ब का दिया हूँ, ठीक है, ये 6 बल्ब है नहीं, मैंने इसका एक एग्जाम्पल के लिए दे दे रहा हूँ कि बल्ब का ड्रॉइंग बनाना उतना आसान नहीं है, वो भी हम लोग इस आदमी के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं भी मिटा दे रहा हूँ। तो जैसे इनके घर में जब कनेक्शन आएगा, जाहिर सी बात है जो भी हमारे इनके घर में कनेक्शन आएगा, पहले मेन वायर आएगा और न्यूट्रल आएगा। तो इनका जो मेन वायर आएगा, ठीक है, मैं मेन वायर यहाँ से गुजरता हूँ, अगर मेन वायर इनका आएगा तो ये बोर्ड में घुस के, ठीक है, इनके जा रहे नीचे, सारे नीचे टर्मिनल, ठीक है, ये सारे नीचे टर्मिनल में शॉर्ट करेगा, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं सारे के सारे नीचे टर्मिनल में शॉर्ट करेगा। फिर ये यहाँ से आप शॉर्ट कराइए, यहाँ से कहीं से भी आप जहाँ तक को सुविधा हो, ठीक है, एक शॉर्ट करके वायर आपका इस वाले स्विच में आएगा और एक इस स्विच में आएगा, जितना भी स्विच रहेगा उसका मेन कनेक्शन जो रहेगा वो नीचे टर्मिनल स्विच का आएगा, ठीक है, वो पहले वीडियो में क्लियर है, जितना स्विच है उसके नीचे टर्मिनल में मेन कनेक्शन आएगा, और न्यूट्रल का जो कनेक्शन आएगा वो 5 पिन सॉकेट इंडिकेटर में यूज होता है बोर्ड के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर बोले नहीं थे तो इंडिकेटर मैंने दिया नहीं, हाँ पर जहाँ दूसरे के मेड में वहाँ इंडिकेटर का यूज है, तो इसी वीडियो से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जहाँ हमारा न्यूट्रल का जो पड़ता है, तो न्यूट्रल जब आएगा हमारा, ठीक है, ये आके इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल में हमारा न्यूट्रल जुड़ेगा, ठीक है, और इनका जो ये कनेक्शन लाइन जो सॉकेट में आएगा ये ऊपर वाले टर्मिनल से शॉर्ट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिएगा एल और एन लिखा होता है, कोई भी सॉकेट में एन और एल लिखा रहता है, तो इस हिसाब से आप कनेक्शन कीजिए, जहाँ लाइन का कनेक्शन वहाँ लाइन का जाएगा, जहाँ न्यूट्रल का जरूरत है वहाँ न्यूट्रल जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल सा वायरिंग हो गया। अब क्या है, जब आपका बल्ब का कनेक्शन, ठीक है, ये सपोज मैंने बल्ब बनाया, ये जब बल्ब का कनेक्शन आएगा तो आपके घर में किस तरीका से आएगा वो देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, ये कनेक्शन को फिलहाल इधर से ले जाते हैं, ठीक है, ये आपको इधर से बताने में सुविधा हो, क्या करते इसको यहाँ से ला के यहाँ से भी जोड़ दे रखना, ये आपका यहाँ से इंक्लूड हो गया। तो अब क्या है, जब हमारा इस बल्ब का कनेक्शन, तो हमारे जब कोई कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, तो मैंने पहले बताया उसको चलाने के लिए हमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, ये 2 चीज का जरूरत हमेशा पड़ता है। और न्यूट्रल क्या होता है, सब में शॉर्ट रहता है, ठीक है। तो हमारा जैसे ये वायर आएगा, एक वायर जो निकलेगा फेज का वो हमारे बोर्ड में आएगा, और जो एक न्यूट्रल वायर रहेगा वो सारे में शॉर्ट करते हुए बोर्ड में जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, हम सारे न्यूट्रल को शॉर्ट करा देते हैं, ये सारे न्यूट्रल को हमने शॉर्ट करा दिया, और इसका जो कनेक्शन है ये 1 बाय 1 इसे इस वाई वन इस 2 बल्ब का हो गया, 3 बल्ब का हो गया, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, अब इस वाले टर्मिनल में घुस जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा,
और इस वाले टर्मिनल में आ जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा इस वाले टर्मिनल में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी बोलता है स्पेस होने के चक्कर में ये जितना जो वायर एक एक वायर ऊपर वाले स्विच में जाएगा, और ये जो हमारा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अब न्यूट्रल अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ से आपको शूट कराना है कि बोर्ड में पहुंचा था। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से लाता हूँ और उतना घुमाने का जरूरत नहीं पड़ता, मैं यहाँ इन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पाइप से घूम के आएगा, गैसिंग के थ्रू आएगा, पर ये जो न्यूट्रल का वायर आएगा वो इस टर्मिनल या इस टर्मिनल में आप जोड़ दीजिए, तो ये आपका सारा बल्ब का भी कनेक्शन हो जाएगा और ये आपका बोर्ड का भी कनेक्शन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए अभी हम यहाँ पे, हमको जैसे इनका भी यह कनेक्शन हो गया, इसमें क्या बोल रहे हैं, ये छह स्विच बोल रहे हैं मुद्दे जी का, जैसा है कि इनका छह स्विच, ठीक है, छह स्विच बोले इन्होंने, एक दो तीन चार पाँच छह, छह स्विच मैंने दे दिया, एक इंडिकेटर दे दिया, एक फ्यूज दे दिया हूँ, उसका वीडियो बना दो। तो इसके हिसाब से जैसे पहले वीडियो बनाया कि कनेक्शन, ठीक है, ये फ्यूज है मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसी हिसाब से कर लीजिए क्या, ठीक है। ये इंडिकेटर का था, ये स्विच है, ये सॉकेट का दिया हुआ था, ठीक है। तो इसी से कनेक्शन आएगा, तो पहले की तरह इसे जब हमारा मेन का वायर आएगा ये आके फ्यूज में इन करेगा, फ्यूज के बाद इस इंडिकेटर में इन करेगा, इंडिकेटर के बाद, ठीक है, ये इसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इसके सारे नीचे वाले टर्मिनल में ये शॉर्ट कर जाएगा, जो हमारा मेन का वायर आएगा, जो फेज वायर आएगा, ठीक है। फेज वायर आपका फ्यूज में आएगा पहले पंडित जी, उसके बाद इंडिकेटर में। आप यहाँ से भी कर सकते, ऐसे नहीं कि ये वायर को आप यहाँ से शॉर्ट करा दीजिए, ऐसे लाके ना लाते, यहाँ सप्लाई करते और यहाँ से शॉर्ट कराते, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी हालत में कोई भी वायर इनके सारे टर्मिनल शॉर्ट होना चाहिए, आप किसी भी हिसाब से ले जाइए, ठीक है, यह कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर वाले टर्मिनल से ये 5 पिन सॉकेट में शॉर्ट करेगा, ठीक है। अब हमें आएगा न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल का जो जरूरत पड़ता है, एक 5 पिन सॉकेट में जरूरत पड़ता है, एक इंडिकेटर में जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इंडिकेटर में ले जाते हैं, ठीक है, और इंडिकेटर के और यहाँ से एक साथ में शॉर्ट कराते हुए इसे हम 5 पिन सॉकेट में डाल देते हैं। तो हमारे जो न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल का जरूरत हमें इसमें पड़ रहा, एक 5 पिन सॉकेट में, एक इंडिकेटर में। तो न्यूट्रल हमने यहाँ पहुंचा दिया, सॉकेट में पहुंचा दिया, फेज क्या वायर था जो सारे टर्मिनल शॉर्ट रहेगा वहां पे, और जैसे इस टर्मिनल सब में, ठीक है, जैसे साई भाई का वीडियो में मैंने बताया कि ऊपर टर्मिनल में बल्ब कौन से कनेक्शन जाता है, आपका वीडियो बनाया, तो उस हिसाब से आपका कनेक्शन हो जाएगा। और हाँ, अगर इसमें आपका इन्वर्टर का वायर आता है, बॉडी अर्थिंग का वायर आता है, बॉडी अर्थिंग का अगर वायर आएगा, तो अगर आपका बॉडी अर्थिंग का ये वायर आता है, सपोज मैं ग्रीन वायर ले लेता हूँ, तो ये आके आपके इसके ईस्टर्न मिरर में, ठीक है, जो बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा, सिर्फ बॉडी अर्थिंग के 5 पिन सॉकेट, ये 5 पिन सॉकेट के ऊपर जो टोप होता है, टर्मिनल होता है, उसमें आपका जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और है इन्वर्टर का वायर, ठीक है, अगर बाय द वे इन्वर्टर का वायर आता है, ये इन्वर्टर का वायर के लिए मैं जान दे रहा हूँ, ठीक है, बाई अगर इन्वर्टर का वायर आता है, तो आप हिसाब कर लीजिए आपको कौन कौन रूम में कनेक्शन, स्विच में कनेक्शन चाहिए। सपोज आपको इन 3 स्विच में आपको इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए, कि इसमें एक सॉकेट आ गया, बल्ब एक पंखा रहा आपके घर में, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से आपको जो मेन का वायर है उसे हटा के इसे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है, और इसको अलग सेपरेट रखना है कि इसे ये लाइन से चलेगा, और ये आपका इन्वर्टर से लाइन रहेगा, अभी तो आपको करंट फ्लो करेगा लाइन कटने के बाद, ठीक है, लाइन रहेगा अभी, इसमें देखिए करंट जा रहा, लाइन कटने के बाद क्या होगा, इसमें तो करंट आएगा नहीं, ये रेड वायर में, तो आपका इन्वर्टर के थ्रू जिसमें करंट आ रहा वो सब आपका चलेगा। उसी के हिसाब से जैसे कपिल भाई ने बोला कि 2 बोर्ड का कनेक्शन कैसे होगा, तो जहां तक हमको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि 2 बोर्ड का कनेक्शन, जैसे एक रूम में एक कनेक्शन ये हो गया जहाँ गेट पास होता है, उसके बाद कहीं मोबाइल चार्ज के लिए हो गया, टीवी के लिए हो गया, या पावर बोर्ड हो गया, ठीक है, उसका कनेक्शन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा बोर्ड के लिए मोबाइल चार्जिंग या टीवी के लिए एक नॉर्मल सा बोर्ड बना देता हूँ, जो रूम के 4x6 का जो हम बॉक्स डालते हैं उसमें जो कनेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे दो सॉकेट और 2 स्विच का हम डालते हैं, ठीक है, 2 स्विच, एक एक सॉकेट हो गया, ये एक स्विच हो गया, एक सॉकेट हो गया, एक स्विच हो गया, ठीक है, ये मैंने बहुत छोटा बना दिया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको समझने में शायद आ रहा हूँ, एक सॉकेट, एक स्विच, एक सॉकेट और एक स्विच,
ठीक है, ये एक सौ बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, एक सॉकेट हो गया, ये एक सॉकेट हो गया, एक स्विच हो गया, एक स्विच हो गया। अगर ये घर के आपको दूसरे रूम में आ रही इस बोर्ड से आपको कनेक्शन ले जाना है, तो अब देखिएगा फिर पहले क्लियर कर लीजिए कि इसका जो कनेक्शन होगा इस रूम का, अब दूसरा बोर्ड में जो ले जाए वो फ्रिज के बाद ले जाना है, फ्यूज के बाद ले जाना चाहते हैं कि पहले ले जाना चाहते हैं। अगर रूम का इस फ्यूज को आप खोलने से अगर इसका कनेक्शन ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर रूम का फ्यूज निकाले तो इसका भी कनेक्शन ऑफ हो जाए, तो आपको फ्यूज के बाद इसको कनेक्शन ले जाना है। अगर आपको लगना है मेरा इसका फ्यूज उड़ भी जाए तो ये मोड चालू है, तो आपको पहले से कनेक्शन ले जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको फ्यूज के बाद कनेक्शन ले जाना है, ठीक है, फ्यूज निकालते हैं तो इसका भी कनेक्शन हट जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से वायर निकालना है, ठीक है, यहाँ से वायर निकाल के आपको जिस हिसाब से सप्लाई हो, ठीक है, आपके घर में जिस हिसाब से पाइप का सप्लाई हो आएगा, एक इस टर्मिनल में आ जाएगा, स्विच के नीचे टर्मिनल में, दोनों में ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक टर्मिनल से यहाँ शॉर्ट रहेगा, ऊपर टर्मिनल से ये सॉकेट शॉर्ट रहेगा। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगा न्यूट्रल का, ठीक है, न्यूट्रल अपने हिसाब से न्यूट्रल यहाँ से ले जाइए, यहाँ से ले जाइए, मैं यहाँ से ले लेता हूँ और न्यूट्रल आता हूँ, और एक आपका यहाँ शॉर्ट ई होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है, यही पे आप चाहिए अगर आपको लगता है, क्योंकि हमारे क्या फेज भी पहुँच गया, न्यूट्रल पहुँच गया, बॉडी अर्थिंग का अगर वायर आता है, ठीक है, अगर इस बोर्ड में बॉडी अर्थिंग का वायर आता है तो बॉडी अर्थिंग का वायर एक टर्मिनल में रहेगा, एक टर्मिनल में रहेगा। इसी के साथ अगर आपका इन्वर्टर का वायर भी आता है, सपोज अगर इन्वर्टर का वायर भी आ रहा है यहाँ पे, अगर ये इन्वर्टर का वायर भी आएगा तो देखिए इन्वर्टर का वायर भी आता है, तो ये सॉकेट आपको डिसाइड करना, कौन सॉकेट में आपको लाइन का कनेक्शन चाहिए, मैंने अगर इसमें इन्वर्टर का, सपोज मैं इसमें लाइन का कनेक्शन रखने देता हूँ, एक सॉकेट लाइन से रहेगा, एक सॉकेट इन्वर्टर से, तो आपको क्या करना है, ये सॉकेट का कनेक्शन इन्वर्टर के वायर से कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो आपका सॉकेट रहेगा, ये सॉकेट जो चला ये चलेगा आपका लाइन से, और ये सॉकेट चला इन्वर्टर से। तो जहाँ तक कभी मैं हमको लगा था इस टाइप से जानना चाह रहे, अगर आप इस टाइप से नहीं जानना चाह रहे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपका अकाउंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो उसमें कॉन्टेक्ट कीजिए, और समझने में जो भी प्रॉब्लम होता है मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने का।